हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए जी, बच्चे हो गए रेडी और गाड़ी आ चुकी है नीचे और चलने लग रहे। चलो बेटा आ जाओ आराम आराम से। चलो चलो, गुड मॉर्निंग। नहीं खाना, बोलियो बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। शर्म आ गई उसे तो। कोई बात नहीं, चलो निकलो, कोई बात नहीं, आराम से निकलो। तो भाई देखिए, बच्चों की गाड़ी तो आ गई, वीडियो स्टार्ट करते ही एकदम से, तो जब चलेंगे ऊपर। तो भाई देखिए, धूप तो बढ़िया निकल गई, सूर्यदेव महाराज ने दर्शन दे दिए जी, वरना सुबह काफी धुंध सी आ गई थी। और इधर पापा जी लेकर आ गए हैं मंडी में से सब्जियां। तो जी देखिए क्या क्या लेकर आए, ये हरा धनिया, टमाटर, टमाटर अच्छे लग रहे, चमकदार, ताजी ताजी आज तो। ये अदरक, ये हरी मिर्चा, और ये लंबी लंबी गाजर, कितनी लंबी लंबी आज तो साफ सुथरी बिल्कुल। गाजर के हलवे बनाने लगाते हैं। हाँ बढ़िया गाजर है, और ये गोभी, ये पत्ता गोभी, ये फूल गोभी, और ये मटर, और ये मम्मी जी खा रही है अनानास। ज्यादा खा के मुंह फट जाए, इससे दांत भी खट्टे से हो जाए। और मिलिए मम्मी जी से, लीजिए मम्मी जी की राम राम, राम राम जी। धूप का मजा ले रही मम्मी जी तो, बैठ कब तक अंदर बैठी थी, अभी धूप निकली तो अभी आई मम्मी जी बाहर। आज तो बच्चे भी जल्दी चले गए, उनके स्कूल का टाइम हो गया चेंज, एक घंटा पहले जाने लगे। अब 7 बजे गए थे, जब सुबह उठाए थे तो बहुत धुंध थी, सुबह तो मौसम खराब हो रहा था। तो गाइस देखिए, अब तो धूप बड़ी अच्छी सी निकल गई जी, वरना सुबह इतनी धुंध आ गई थी जैसे जनवरी के महीने में आती थी ना, आज सुबह भी ऐसे ही धुंध आ गई थी, पूरा ऐसे धुआं सा फैल गया था चारों तरफ से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो गाइस जी देखिए, कपड़े वगैरह सब फैला दिए, बस अब बनाएंगे जी खाना, करेंगे खाने की तैयारी, और बच्चे जा रहे स्कूल। तो जी देखिए, अब एक बार इनको पलटी दे देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए कपड़े। और गाइस जो चैनल पर नए हैं, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और वीडियो पूरी देखना। तो गाइस देखिए, देवशी कर रही है जी स्कूल से आके अपना ट्यूशन का होमवर्क, और कितने अच्छे अच्छे लिख रहा मेरा बेटा है ना, बता दो सबको, सबको बता दो उनको। गाइस देखो, मैंने ना अपना होमवर्क कर लिया, बोलो सबको, राम राम जी तो बोल दो सबको, आज आपने राम राम जी तो ये तीन लाइन बच रही थी, और पहले राम राम जी बोल दो। कहाँ से मिला था वो विधांत? उनकी गंजायच के। अच्छा वो छोटा नहीं है? हाँ बुला ले, कोई बात नहीं, आ जा गई तो। अब और बता बता, और इसे भी दिखा दो भाई को, दिखा दे भाई को। देखिए देवसी कहाँ छिप गई, इसे ट्यूशन जाने से बच रही है। कहाँ छिपी है आके, इस ऊपर से ढूंढ रहे थे, वहां पे नहीं दिखाई दी है कहीं, बाहर आ जाओ, दिखाई दे रहे हैं आप, ये छिपने की जगह नहीं होती। आराम से आओ, आराम से नीचे को, नीचे को झुक के आओ, कभी सर लग जा, आराम से और नीचे को झुके, और बस क्यों छिपे थे वहां पे। चलो बाय बाय, आराम से। तो गाइस देखिए, बच्चे चले गए हैं जी ट्यूशन में, और देवसी छिप गई थी वहां ट्राली के नीचे, तो जी मुश्किल से उसे बाहर निकाला, और ना जाने के बहाने ढूंढ रही थी, बड़ी शैतानी करते आए टाइम, यही सोचते है कि ना तो ट्यूशन जाना पड़े और ना स्कूल जाना पड़े, तो जी खैर चली गई, और अब चलेंगे ऊपर। तो गाइस देखिए, सूर्य देव महाराज जा चुके हैं, अपने घर जाने लग रहे, जाते जाते के दर्शन कर लो जी, देखियो करवा दिए दर्शन, नहीं आप आगे कूदी तो बढ़िया दिखाई दे रही थी, मगर पीछे को बढ़िया हो जाएगा। और जी अब हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी, मम्मी जी ने कटिंग कर दी आलू गाजर की, और बच्चे आने वाले ट्यूशन से,
और गाइस देखे कितना प्यारा व्यू, इवनिंग व्यू। आज तो मम्मा चेयर पर बैठ के बढ़ा रही हूँ। ऐसा कितना काम दर्द पता नहीं क्यों हो रहा, कुछ मौसम का ही होगा ये चक्कर। खा लो खाना, ये बता तेरा आलू का पराठा रखा और आलू का दर्द क्या खाएगी? आलू का पराठा। आलू के पराठा आलू भाजी नहीं खाती? नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है, गाजर नहीं। अब सुबह ही चली जावे एक घंटा पहले, तो 7:15 सभी पहले ही सुबह उनकी बस आ गई थी, तो जी इसलिए वो तो बेचारी थक गई थी क्योंकि जल्दी उठ गई थी सुबह 6 बजे, तो वो सो गई। अभी से भी नींद चढ़ रही है हमारी बड़ी गुड़िया रानी को। तो बस बेटा बता दो जल्दी सुबह क्या लेके जाओगे लंच में? जो जाना चाहो। पर नहीं, पर समझ में आलू गाजर है, आलू गाजर रोटी। पता नहीं चीज समझ नहीं आती, जब भी किताब उठाती नींद आने लगती। तो वो तो सभी के साथ हो, जब भी किताब उठावे नींद आ जाए, बस फोन देखते हुए नींद आती है। प्रीत नहीं तो जब भी किताब उठाए तो जी प्रीत के साथ होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये बोल रही की जब भी नींद वो किताब उठाओ ना तो समझ नहीं आ रही है बात, तभी नींद आ जा। ये तो बेटा सभी के साथ होता है, अकेले आपके साथ नहीं होता। आपके साथ भी। हाँ जब हम छोटे थे हमारे साथ भी हो गए थे, जब हम पढ़ने बैठ रहे थे। बताओ है टिक्की में छक जाओगे बेटा? आलू के गोल गोल पकौड़े, रोज गोल गोल पकौड़े में लग रहे आलू के गोल गोल। बताओ बताऊंगा फिर, आप तो सादा पराठा दे दो। ठीक है, अगर सादा पराठा ही दे देंगे, नहीं। फाइनल डन। ठीक है, आलू की पिट्टी और रोटी पराठा, मटर डाल दू पिट्ठी में। देवसी नहीं खाती मटर, उसे अच्छी नहीं लगती देवसी को, पर वैसे तो खिला दू, लेकिन पिट्ठी में अलग अलग दिखाई देंगी वो, पिट्ठी में खाने की नहीं वो। पिट्ठी और आलू सादा पराठा तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर दिया, बता दो मुझे। तो बताओ बेटा कल सर्टिफिकेट कैसे मिल रही स्कूल में? देवशी का लास्ट मंथ है ना ये। अच्छा, तो उसके लिए मिल रहे उनकी। अच्छा अच्छा, सब चीजों का तो कल पता चलेगा। ठीक है, मैसेज आया हुआ ना कि फुल यूनिफॉर्म में आना कल, सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे बच्चों को मेरी। हाँ तो हाँ उसकी बना दूंगी। चल ठीक है, सो जा, गुड नाइट। एंटीना। हाँ ठीक है, गुड नाइट। अभी मेरा एक एंटीना है। ठीक है चलो, गुड नाइट। लाइट बंद करके जाना है। ठीक है चलो सो जाओ। तो गाइस देखिए, वैसे तो फाइबर की रजाई, सोल और कार्डिगन भी है, जैकेट भी है, और जी नीचे जैकेट और कैप, और ऊपर छत पर पंखा भी दे, ऊपर छत पर पंखा भी चल रहा भाई जी। तो ये देख लो यहाँ क्या मौज ले रही, सर्दी गर्मी की इकट्ठी मौज ले रहे। गर्मी की लगा, तो ये जब इतने गर्म कपड़े पहन रखे गर्मी तो लगेगी। सर्दी गर्मी की लड़ाई चल रही तो यही होगा, गर्मी और सर्दी की लड़ाई चल रही। अच्छा, एक कैरी मुझे आन दो, एक कैरी मुझे जान दो, और बारिश कैरी तो पड़ते रहो, मैं तो आ जाऊँ। मैं तो आ ही गई। चलो ठीक है भाई, सो जाओ, गुड नाइट। हाँ कर रही। तो गाइस देखिए टाइम हो गया है जी, रात के 9:30 बजने वाले हैं, और बच्चे हमारे दोनों सो गए और थक भी गई थी क्योंकि अब इनके स्कूल का टाइम चेंज हो गया। और गाइस आपने देखा कि आज हमारे टेलर भैया आए थे हमारे कपड़े लेने के लिए, और मैंने आपसे पूछा था कि बताइए मुझे जो सर्दियों के सूट है वो सिलवाने चाहिए या नहीं। तो जी मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे बोला कि अभी नहीं, आगे अक्टूबर में सिलवाना। तो गाइस देखिए मैंने उनकी बात मानी और मैंने अपने सर्दियों के कपड़े नहीं दिए आज टेलर भैया को सिलने के लिए, तो अब मैं उनको आगे ही सिलवाऊंगी। बस अभी
कुछ जो आगे गर्मियों में पहनने के हैं वो सिलने दिए और जो थोड़े फैंसी थे वो दिए। तो जी अब मैंने आज अपने सब्सक्राइबरों की बात मान ली और बस गाइज अब चलिए करेंगे अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।